कैसे आप लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्न बाई आशुतोष में। आज हम लोग RCC सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर सीमेंट कंक्रीट या फिर इसे हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और 10 से 12 क्वेश्चंस को करेंगे। अगर वीडियो में पहली बार है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन कब हुआ था। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1913, ऑप्शन नंबर बी 1936 और ऑप्शन नंबर सी 1850 और ऑप्शन नंबर डी 1935। तो जो हमारा इसमें चारों ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन सही है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ किस यूनिट में मापा जाता है, लीटर में, मीटर में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेंथ मतलब जैसे होता है हमारा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसकी बात हो रही है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा सी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मापा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइनेस मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना होता है। जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका फाइनेस ऑफ मॉडल सिस्टम कितना होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2 से 3.5 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है जो 4 है, और ऑप्शन नंबर सी 1 ली 2, और ऑप्शन नंबर डी 9 ली, इसमें से कोई नहीं। पहले तो आपको हम बता दें कि फाइन एग्रीगेट कौन क्या होता है, जो 4.75 mm से जो पार्टिकल छोटा होता है उसे फाइन एग्रीगेट कहते हैं, ठीक। और उसका फाइनेस मॉडुलस होता है 2 से 3 के बीच में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक लीनियर क्वेश्चन है, ठीक, यह एक लीनियर क्वेश्चन है, इसमें खुद आंसर रहेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि पानी की मात्रा सीमेंट में जितनी कम रखी जाएगी कंक्रीट की सामर्थ्य उतना अधिक हो जाएगी, उतना अधिक होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पानी की मात्रा एकदम कम कर देंगे। पानी की मात्रा कम से कम 0.04 से 0.4 से 0.6 के बीच में हम इसको रखेंगे, ठीक। और इतना पानी हम रखते हैं, वाटर रखते हैं कि जिससे हमारी कंक्रीट ऑपरेशन की सारी क्रियाएं पूर्ण हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, सीमेंट हाइड्रेशन क्रिया कितने के लिए कितने परसेंट वाटर की आवश्यकता होती है। जो हमारी सीमेंट जो हाइड्रेशन क्रिया होती है उसमें वाटर की कितना आवश्यकता होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन नंबर बी है 40% और ऑप्शन नंबर सी 25 से 30% और ऑप्शन नंबर डी हमारा 50%। पहले तो समझ लीजिए कि हाइड्रेशन क्रिया क्या होती है। जब हम सीमेंट में वाटर को मिलाते हैं तो सबसे पहले जो क्रिया स्टार्ट होती है हमारी हाइड्रेशन क्रिया होती है, इससे हीट रिलीज होती है, ठीक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 25 से 30% वाटर की आवश्यकता होती है। और ओपीसी सीमेंट से जो हमारी हीट रिलीज होती है वो 120 होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, साधारण सीमेंट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो होता है, साधारण सीमेंट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, 0.4 से 0.6, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 0.7, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 0.9 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 0.2। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, 0.4 से 0.6 के बीच में हम लोग रखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल्स टू वाटर अपन सीमेंट, ठीक, ऐसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए कितने ग्रेड से कम सीमेंट यूज नहीं करना चाहिए। जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए कितने ग्रेड से कम सीमेंट यूज नहीं करना चाहिए। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मतलब जो कंक्रीट पहले से बनाई जाती है, ठीक, उसे लोग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कहते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए है M20, जो ऑप्शन बी है M30, जो ऑप्शन नंबर सी है M45 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M20 से कम ग्रेड का कंक्रीट नहीं रखते हैं। पर तो समझे कि M30 का मतलब क्या है, जो M होता है
एम मतलब होता है मिक्स, एम आई एक्स मिक्स होता है। और जो 30 होता है ये डिनोट करता है 28 दिन की क्यूरिंग पर कि इसका कितना स्ट्रेंथ है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये होता है, ये दिखाता है कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर 30 न्यूटन का जो वेट है उसको बियर कर लेगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हम इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं कंक्रीट की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि ई सी 500 रूट अंडर एफ सी के, और बी है 5 अंडर रूट एफ सी के, और ये ई सी बराबर 100 रूट अंडर एफ सी के, और चौथा आंसर 99 बीच, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, ई सी मतलब होता है इलास्टिसिटी, और जो एफ सी के है तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एफ सी के का मतलब होता है ये पूरा ओवर रूट रूट अंडर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्लम टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी टफनेस टेस्ट किया जाता है, और बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले तो आप समझिए कि जो टफनेस होता है ये हार्डनेस टेस्ट के लिए किया जाता है, हार्डनेस फाइंड करने के लिए टफनेस टेस्ट किया जाता है। ठीक, और जो हमारा ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है स्लम टेस्ट, वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए स्लम टेस्ट किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बार जो छड़ होती है वो कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी। तो पहला ऑप्शन है 2 प्रकार की, बी दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार का, सी 4 प्रकार का, और ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी 3 प्रकार का, जो बार तो हमारा 3 प्रकार का, तो एक होता है माइल्ड स्टील, एक होता है हमारा माइल्ड स्टील, और दूसरा होता है मीडियम टेंसाइल स्टील, और जो हमारा दूसरा होता है मीडियम टेंसाइल स्टील होता है, और जो तीसरा था एच वाई एस डी बार होता है। ठीक, ये हमारे 3 बार होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, और नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आएंगे, उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11वां, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CRS बार। तो पहला ऑप्शन नंबर ए 0.18%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 2%, और ऑप्शन नंबर डी 0.01%। तो जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए 0.18%। CRS का मतलब होता है कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील, मतलब हिंदी में बता दें इसको तो जंग रोधक छड़ बोलते हैं। ठीक, इसमें जो कार्बन का मात्रा होता है उसमें होता है 1.18%। ठीक,